नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल और बैटरी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से हमारा दो वीडियो पहले से अपलोड हो चुका है, यह तीसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं उसी के आगे का क्वेश्चन। 81 नंबर का क्वेश्चन है, किस लक्षण द्वारा बैटरी की चार्जिंग का पता लगाएंगे? तो जिस लक्षण के द्वारा बैटरी का चार्जिंग का पता लगाते हैं, रहता है कि इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम लोग पता करते हैं कि बैटरी की चार्जिंग क्या है। एट्टी टू नंबर क्वेश्चन है, किस बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है लेड एसिड बैटरी, निकिल आयरन बैटरी, प्राइमरी सेल, डी है उपरोक्त सभी। तो जिस बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता पड़ती है वह रहता है आपका लेड एसिड बैटरी। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लेड एसिड बैटरी। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर स्टोरेज बैटरी का EMF निर्भर करता है? तो जिस पर स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है वह रहता है आपका इलेक्ट्रोड के प्रकार पर निर्भर करता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोड के प्रकार पर स्टोरेज बैटरी का EMF निर्भर करता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, कितने देर बाद बैटरी को चार्ज करेंगे जब उसे उपयोग में नहीं रखते हैं? तो आपको हर 6ठवें दिन के बाद आपको चार्ज करना पड़ेगा, चाहे आप उसे यूज करें या ना यूज करें। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 दिन बाद। अगर आप बैटरी को यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको हर 6ठे दिन कम से कम आपको चार्ज करना पड़ेगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व मापते हैं? ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, टैकोमीटर। तो जो इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व नापा जाता है वह आपका हाइड्रोमीटर द्वारा नापा जाता है, जिसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। 86 नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा अगर चार्ज करते समय बैटरी के कनेक्शन गलत हो जाएं? तो अगर चार्ज करते समय अगर बैटरी का जो कनेक्शन है वह गलत हो जाएगा तो होता है कि बहुत अधिक करंट लगेगी। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि बहुत अधिक करंट लगेगी। 87 नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा अगर सेल को 1.78 वोल्ट से भी नीचे तक डिस्चार्ज किया जाए? ऑप्शन है प्लेटों का सल्फेशन हो जाएगा, सेल की क्षमता कम हो जाएगी, आंतरिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, डी है उपरोक्त सभी गुण। तो अगर सेल को 1.78 वोल्ट से नीचे तक डिस्चार्ज किया जाता है तो होता है कि प्लेटों का सल्फेशन भी हो जाएगा, सेल की क्षमता भी कम हो जाएगी, आंतरिक रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सारे प्रक्रिया शुरू हो जाएंगे। 88 नंबर क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.23 से अधिक हो जाए? तो यदि इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.23 से अधिक हो जाता है तो उसका जो कार्यकाल होता है वह कम हो जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कार्यकाल कम हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा यदि इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेटों से लेवल कम हो जाए? तो यदि इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेटों के लेवल से कम हो जाए तो होता है कि ओपन प्लेट लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाएगा, क्षमता कम हो जाएगी, कार्यकाल भी कम हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 90 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक करंट क्या होता है? तो स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक जो करंट रहता है वह बढ़ता जाता है। तो इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा कि बढ़ता जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, डिस्चार्जिंग से पूर्ण चार्जिंग तक सप्लाई वोल्टेज क्या होती है जब स्थिर करंट चार्जिंग विधि का प्रयोग करते हैं? तो आपको पता होगा कि जब स्थिर करंट चार्जिंग विधि का प्रयोग करते हैं तो डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक जो सप्लाई वोल्टेज होता है वह आपका स्थिर रहता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि वह स्थिर रहता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, किस राड शुष्क सेल में धनात्मक प्लेट कार्य करता है? किसकी राड शुष्क सेल में धनात्मक प्लेट का कार्य करता है? तो शुष्क सेल में जो धनात्मक प्लेट का कार्य करता है वह रहता है आपका कार्बन का राड, यानी कार्बन का क्षण रहता है जो शुष्क सेल में धनात्मक प्लेट का कार्य करता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल दर्शाता है? तो शुष्क सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वह रहता है आपका 1.5 वोल्ट। 94 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी राशि अधिक मिलेगी अगर सेलों को समांतर क्रम में सजाया जाए?
तो समांतर क्रम में जोड़ने पर सेलों को क्या होता है कि आपका जो धारा रहता है वह अधिक प्राप्त होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धारा अधिक मिलेगी अगर सेलों को समांतर में जोड़ा जाए तो। 95 नंबर क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में पानी तथा अम्ल का अनुपात क्या होता है। तो लेड एसिड बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है उसमें अम्ल और जो पानी जो रहता है, पानी और अम्ल का जो रेशियो रहता है वह 3:1 के अनुपात में रहता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पानी और अम्ल का अनुपात 3:1 के अनुपात में रहता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, प्रति सेल वोल्टेज कितना होगा यदि बैटरी पूर्ण चार्ज हो। तो प्रति सेल वोल्टेज आपका 2.2 वोल्ट होगा यदि बैटरी पूर्ण चार्ज हो तो। 97 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व क्या होगा यदि बैटरी पूर्ण डिस्चार्ज हो। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो अपेक्षित घनत्व होता है पूर्णतः डिस्चार्ज होने पर वह रहता है 1.14। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.14। 98 नंबर क्वेश्चन है, एक बैटरी की क्षमता 200 एम्पियर हावर है, यदि बैटरी पर लगा कोट 5 एम्पियर धारा लेता है तो बैटरी कितने घंटा कार्य करेगी। कितने घंटा काम करेगा, 200/5 कर दीजिए यानी कि 5 × 24 यानी कि 40 घंटे तक कार्य करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40 घंटे तक कार्य करेगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, कटे हुए आलू में बैटरी के टर्मिनल से जुड़े तार का रंग कैसा प्राप्त होगा। तो कटे हुए आलू में बैटरी के टर्मिनल से जुड़े तार का जो रंग होगा वह आपका हरा प्राप्त होगा। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, हरा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि 6 सेलों को जिसमें से प्रत्येक ईएमएफ ई है श्रेणी में जोड़ा जाए तो प्रभावी ईएमएफ क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, आपका जो ईएमएफ होता है वह सारा जुड़ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6E हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेट की संख्या कितनी होती है। तो सीसा सेल में जो ऋणात्मक प्लेटों की संख्या होती है वह रहता है धनात्मक प्लेटों की संख्या से 1 अधिक होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धनात्मक प्लेट से 1 अधिक होता है। 102 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा सेल जिसमें रासायनिक क्रिया अप्रतिक्रमण नहीं होती है क्या कहलाता है। जिसमें यानी कि उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया नहीं होती है वह आपका क्या कहलाता है, प्राथमिक सेल। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राथमिक सेल। और जिसमें उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया होती है वह आपका कहलाता है द्वितीयक सेल। 103 नंबर क्वेश्चन है, अगर 4 सेल प्रत्येक 1.5 वोल्ट सीरीज में जोड़ा जाए तो संपूर्ण ईएमएफ क्या होगा। तो क्या होगा आपका कि जो वोल्टेज रहता है सीरीज में, सॉरी पैरेलल में, सॉरी यहाँ क्या बोला है कि अगर 4 सेल प्रत्येक 1.5 वोल्ट सीरीज में जोड़ा गया है तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में सब जुड़ जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट सीरीज में जोड़ा गया है, 4 सेल हैं तो 1.5 + 1.5 + 1.5 और + 1.5, ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट का, 6 वोल्ट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 104 नंबर क्वेश्चन है, एक संचयी सेल में क्या संचित रहता है। तो संचयी सेल में क्या संचित रहता है आपका, रहता है रासायनिक ऊर्जा। 105 नंबर क्वेश्चन है, क्षारीय बैटरियां निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न करती हैं। तो जो क्षारीय बैटरियां रहती हैं वह रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन है विभवांतर बनाए रखने के लिए। बिल्कुल सही है कि बैटरी का प्रयोग विभवांतर बनाए रखने के लिए किया जाता है। 107 नंबर क्वेश्चन है कि सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल होना चाहिए। तो सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट का तल होता है वह मिट्टी में रसायन की किस्म में होना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन सही है, मिट्टी में रसायन की किस्म। 108 नंबर क्वेश्चन है, सेल में शॉर्ट सर्किट का कारण क्या हो सकता है। तो सेल में शॉर्ट सर्किट का जो कारण होता है कि प्लेटों का संकुचन, बिल्कुल इसके कारण भी होता है। बी है धन प्लेटों और ऋण प्लेटों के बीच लेट कणों के कारण परिपथ का बनना, ये भी सही है। सी है दोषपूर्ण सेपरेटर, ये भी सही है। कह रहा है कि
डी इनमें से कोई भी, तो बिल्कुल सही, तीनों में से कोई भी हो सकता है शॉर्ट सर्किट का कारण, जिसका डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई भी। 109 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी डिस्चार्ज होते समय बैटरी की वोल्टेज क्या होती है? तो बैटरी अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो उस समय उसकी वोल्टेज क्या होती है, घटती है, और जब चार्जिंग होती है तो उसकी वोल्टेज बढ़ती है। यहाँ पर पूछा है डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज में वोल्टेज घटती है। 110 नंबर क्वेश्चन है, संचायक बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है? तो संचायक बैटरी की जो क्षमता रहती है वह आपका बैटरी कितने एम्पियर हावर की विद्युत दे सकता है, इस पर व्यक्त किया जाता है संचायक बैटरी की क्षमता। 111 नंबर क्वेश्चन है, कारों में निम्नलिखित एम्पियर घंटा क्षमता की बैटरी का प्रयोग किया जाता है? तो कारों में जो बैटरी यूज किया जाता है वह रहता है आपका 30 से 60 एम्पियर हावर तक का, जिसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा 30 से 60 एम्पियर हावर। 112 नंबर क्वेश्चन है, किसी 6 वोल्ट शीशा अमले बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.01 ओम है, तो बैटरी के लघु परिपथ होने पर कितना करंट प्रवाह होगा? तो लघु परिपथ होने पर जो धारा प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा आपका 600 एम्पियर का। 600 एम्पियर आएगा, क्योंकि पूछा है धारा I इक्वल टू होता है V/R, V का मान दिया है 6/0.01 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 600 एम्पियर। 113 नंबर क्वेश्चन है, लेड सेल है एक, लेड सॉरी लोड सेल है एक, तो जो लोड सेल है एक प्रकार का है आपका फोटोवोल्टेइक सेल, तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा फोटोवोल्टेइक सेल। 114 नंबर क्वेश्चन है, शीशा अम्ल बैटरी को चार्ज करने के दौरान निम्नलिखित में से किस में वृद्धि होगी? तो अगर आपको शीशा अम्ल बैटरी है उसको चार्ज जब करते हैं तो उसका अपेक्षित घनत्व बढ़ता है, अम्ल का जो अपेक्षित घनत्व रहता है वह बढ़ता है। 115 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क सेल का ऋणात्मक पुल निम्न में से किस चीज़ से बना होता है? तो शुष्क सेल का जो ऋणात्मक पुल होता है वह आपका जस्ते का बना होता है, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा जस्ता। 116 नंबर क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल की वाट हावर कुशलता किसके प्रतिशत के बीच बदलती रहती है? तो लेड एसिड सेल का जो वाट हावर कुशलता रहती है वह आपका जो बदलता है वह 80 से 95% तक, सॉरी 80 से 85% तक बदलता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निकिल को कहाँ उपयोग किया जाता है? तो निकिल का जो उपयोग किया जाता है वह बैटरी में किया जाता है, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा बैटरी में। 118 नंबर क्वेश्चन है, एक लेड एसिड सेल का विशेष पावर क्या है? तो ये लेड एसिड सेल का जो विशेष पावर होता है वह आपका 180 वाट पर किग्रा होता है। 119 नंबर क्वेश्चन है, एक लेड एसिड सेल का ऊर्जा घनत्व क्या है? तो एक लेड एसिड सेल का जो ऊर्जा घनत्व होता है वह होता है 60 से 110 वाट हावर, एक सौ बीस नंबर क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल को किस वोल्टेज से नीचे डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए? तो लेड एसिड सेल को जिस वोल्टेज के नीचे डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए वह रहता है आपका 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। 121 नंबर क्वेश्चन है, निकिल आयरन सेल किस प्रकार का सेल है? तो निकिल आयरन सेल जो रहता है आपका गीला व द्वितीयक सेल रहता है, तो इसका डी ऑप्शन से गीला व द्वितीयक सेल। 122 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या निकिल कैडमियम सेल का एक लाभ है? तो निकिल कैडमियम सेल का जो एक लाभ रहता है वह रहता है यह इलेक्ट्रोलाइट एसिड नहीं होता है, यह इलेक्ट्रोलाइट एसिड नहीं होता है। 123 नंबर क्वेश्चन है, यदि 100 एम्पियर हावर दक्षता सॉरी क्षमता वाली बैटरी से 8 एम्पियर करंट लिया जाए तो वह कितने घंटा चलेगा? तो यह चलेगा आपका 12.5 घंटा, यानी कि 100/8 कर देंगे आपका, तो आपका 12.5 घंटा यानी 12.5 घंटा आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया लोग वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।